संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि ईसाई मशीनरी हमारी सेवा बस्तियों को टारगेट बना रही है और वहां पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धर्मांतरण करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। भोपाल के टीटी नगर स्थित शिवनगर बस्ती में बाला साहेब पीटर रमन बाबेल दिलीप मेहर पर धर्मांतरण के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा किसी भी प्रकार से धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता भोपाल के हर सेवा बस्ती में नजर आएंगे। हम हिंदू संगठन मिलकर इस प्रकार के धर्मांतरण का भंडाफोड़ करेंगे। ईसाई मिशनरी हमारी सेवा बस्तियों को टारगेट बना रही हैं, वहां पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर रही हैं। संस्कृत बचाओ मंच इसका विरोध करता है। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि वह इस प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान रखे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि हिंदू समाज भी अब जागरूक हो चुका है। तिवारी ने धर्मांतरण का धंधा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। बचाओ मंच और बजरंग दल ने ये कार्रवाई की थी संयुक्त रूप से, और इसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि बाला पीटर, जो कि उसका पूरा परिवार कन्वर्ट हो चुका है और वो धर्मांतरण की कार्रवाई जगह जगह स्लम बस्तियों में जाके कर रहा है, उसको इसकी फंडिंग होती है। हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए और इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनके जेल की हवा खिलाई जाए, ये संस्कृति बचाओ मंच मांग कर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।